दोस्तों, अगर आप भी भारतीय टीम को मिली इंग्लैंड के खिलाफ 5वीं T20 मैच में जीत से खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। भारत और इंग्लैंड के अंतिम मैच में जॉस बटलर और विराट कोहली के बीच मैदान पर बड़ी झड़प देखने को मिली, जिसको देखने के बाद आप भी दंग रह जाएंगे। तो चलिए बताते हैं आपको उस वाक्य के बारे में। लेकिन उससे पहले, आप सभी को क्या लगता है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा में कौन बेहतरीन कप्तान है? इस बात के जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच में 5वां T20 सीरीज का मुकाबला, जो कि अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया, भारतीय टीम और इंग्लैंड की टीम दोनों टीमों के लिए बेहद जरूरी मैच था, क्योंकि इस मैच को जीतने के बाद जीतने वाली टीम सीरीज को अपने नाम कर लेती। इसलिए इंग्लैंड की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लिश टीम के गेंदबाजों की ऐसी खबर ली कि इंग्लैंड की टीम ने इतने बड़े स्कोर को देखते ही घुटने टेक दिए। भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 224 रन बना दिए। इसके जवाब में इंग्लैंड की टीम जब बल्लेबाजी करने उतरी, तो इंग्लैंड की टीम की शुरुआत भले ही खराब रही, जेसन रॉय शून्य के स्कोर पर ही भुवनेश्वर कुमार की गेंद पर आउट हो गए। लेकिन इसके बाद जॉश बटलर और डेविड मलान ने इंग्लैंड की टीम की पारी को संभाला और तेज गति से बल्लेबाजी करी। इस बीच ये दोनों ही बल्लेबाज इंग्लैंड के लिए पूरी तरह से सेट हो गए थे, और उसके बाद तो इन दोनों ने अपने हाथ ऐसे खोल दिए कि दोनों के बीच शतकीय साझेदारी हो गई। दोनों को देखकर ऐसा लगा कि शायद इस मैच में अंत तक फाइटिंग होगी। इस बीच जब इंग्लैंड की टीम का स्कोर 130 रन हुआ, इस बीच जॉश बटलर को भुवनेश्वर कुमार ने हार्दिक पांड्या के हाथों कैच आउट करा दिया। इसके बाद इंग्लैंड का ये बल्लेबाज जॉश बटलर पूरी तरह से भड़क गया और अपने आउट होने की भड़ास उन्होंने इस तरह से निकाली कि वो भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली से भिड़ गए और उन्हें गलत बोलने लगे, क्योंकि भारतीय टीम के लिहाज से इस विकेट को लेना बहुत जरूरी था और समय रहते भारतीय गेंदबाजों ने ये कामयाबी हासिल कर ली थी। जिसके बाद जॉश बटलर पूरी तरह से भड़कते हुए नजर आए और बीच मैदान पर ही उन्होंने विराट कोहली को कुछ ऐसा कह दिया, जिसके बाद विराट कोहली का गुस्सा इतना बढ़ गया कि विराट कोहली ने उन्हें बीच मैदान पर ही रोक लिया। विराट कोहली को किसी की भी गलत बात बर्दाश्त हरगिज नहीं है, और अक्सर देखा जाता है कि विराट कोहली अंपायर से भी जूझ जाते हैं, लेकिन यहाँ तो हार से बौखलाए जॉश बटलर ने जब कुछ गलत कहा, तो विराट कोहली और बटलर के बीच मैदान पर ही झड़प देखने को मिली और दोनों के बीच तनातनी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि ऐसा लग रहा था कि ये लड़ाई कोई बड़ा रूप ना ले ले। लेकिन इस बीच फील्ड अंपायर तुरंत दोनों खिलाड़ियों के पास पहुंचे और इस मैटर को रफा दफा करवाए। हालांकि इस मामले में पूरी गलती पूरी तरह से जॉश बटलर की थी, और जो अपनी इंग्लैंड की हार का गुस्सा इस तरह से भारतीय कप्तान के ऊपर निकाल रहे थे, क्योंकि भारतीय कप्तान ने इस मैच में बहुत ज्यादा रन मारे और भारतीय टीम ने इंग्लैंड की टीम को टेस्ट सीरीज में हराकर ये सीरीज अपने नाम कर ली और अब T20 सीरीज को भी भारत जीत चुकी है। इसलिए इंग्लैंड के बल्लेबाज विराट कोहली के ऊपर भड़कते हुए नजर आए। लेकिन दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है कि विराट कोहली और जॉश बटलर के बीच इस तनातनी में किसकी गलती थी? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।